गुड मॉर्निंग जी, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में गाजर का हलवा बनाने का प्रोसेस। क्योंकि देखिए, गाजर का हलवा जो होता है खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है हमको, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी प्रकार के हलवा होते हैं उनमें गाजर का हलवा को राजा माना जाता है। बट हाँ, अगर कोई कह दे कि तुम घर में बना लो तो भैया प्रोसेस बहुत लंबा लगता है, लगता है यार कौन इतना लंबा प्रोसेस करके बनाए। लेकिन अगर आप जैसा भी मैं वीडियो बनाई हूँ आपके लिए वो आप देख के फॉलो करिए, आप उसी तरीके से बनाइए, बहुत ही इजी प्रोसेस रहेगा। और हलवा जितना आपका खूबसूरत, जितना ब्यूटीफुल उसका कलर आएगा, उससे भी ज्यादा वो टेस्ट में लाजवाब लगेगा। तो आप एक बार उसी तरीके से बनाइए। हाँ, अगर अभी आपने अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए उसके बाद ही आप लाइक करिए। लेकिन हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को अभी आप सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेके आती रहती हूँ वो आपको सबसे पहले मिले, आप सबसे पहले देख लें और सबसे पहले आपको जानकारी मिले। तो चलिए हम बताते हैं आपको गाजर का हलवा बनाने का प्रोसेस। थैंक यू। मैंने गाजर को धो के रख लिया है, इसका जड़ में काट देती हूँ। इसका जो छिलका होता है वो निकालना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहे तो उसे निकाल सकते हैं, चाहे तो नहीं भी निकाल सकते हैं। मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसको दो तीन दिन पहले ही लिया था, तो फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ था, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे निकाल दूँ इसका छिलका। अगर आपका गाजर ताज़ा है, फ्रेश है, सॉफ्ट है, तो अगर आप उसका छिलका नहीं भी निकालेंगे तो वो परफेक्ट ही बनेगा। अब मैं मेजरमेंट बता देती हूँ आपको, मैं 1 किलो गाजर में 250 ग्राम चीनी ऐड करने वाली हूँ और थोड़ा सा किशमिश और काजू ऐड करूँगी मैं। ये 5 जो है इलायची के दाने हैं, मैं इसे पाउडर बना के ऐड करूँगी। और घर का बना हुआ गाय का देसी घी यूज कर रही हूँ और 1 गिलास मिल्क मैं ऐड करूँगी। अभी मैं गाजर को घिस लेती हूँ, क्योंकि देखिए बहुत लोग बोलते हैं ना कि गाजर को घिसने में बहुत मेहनत लगती है, तो वो नहीं हो पाएगा। गाजर को ऐसे काट के कुकर में बॉयल कर लो, उससे भी बन जाएगा। बन तो उससे भी जाएगा, बट टेस्ट में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, क्योंकि जो घिसा हुआ गाजर का हलवा बनता है वो परफेक्ट टेस्ट लगता है, और जो ऐसे काट कर बनाई है उसके टेस्ट में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो मैं पसंद करती हूँ घिस के ही बनाना, ज़्यादा है नहीं, 1 kg ही गाजर है हमारा और साइज में भी बड़ा है, तो आराम से मैं घिस सकती हूँ, तो इसलिए मैं घिस के ही बनाना पसंद करती हूँ। वैसे भी गाजर का हलवा तो हम डेली डेली घर में बनाते नहीं हैं, हम मंथ में या 2 मंथ में, 3 मंथ में हम एक ही बार बनाते हैं, तो क्यों ना हम उसे अच्छे से बनाएं, तो इसलिए मैं इसे घिस कर ही बना रही हूँ। आप कोशिश करिए कि आप भी घिस के बनाइए, लेकिन हाँ, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बॉयल भी कर सकते हैं। हाँ, गाजर घिसने में आपका हैंड तो भाई बहुत दर्द देने वाला है, बट कोई बात नहीं, अभी आप जब खाएंगे तो सारा दर्द भूल जाएंगे, आपको टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी बनेगा। मेरा तो लगभग अब हो भी गया है, मेरा ख़त्म भी होने वाला है, मैंने घिस लिया है ऑलमोस्ट, और ये मैंने पूरा घिस लिया है। अब मैं इसे कुकर में रख के बॉयल कर दूँगी। जनरली क्या होता है कि कुकर में रखने के बाद अगर आप चाहें तो इसे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके बॉयल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल्क बचा हुआ है तो मैं वो मिल्क डालकर बॉयल करूँगी। इससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत डिफरेंस आएगा, तो अगर आपके पास भी मिल्क है तो आप ऐड करके ही बॉयल करिए, लेकिन अगर आपके पास अभी मिल्क नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा पानी ऐड करके आप बॉयल कर सकते हैं। आप 1 या 1.5 कप पानी डालिए, या फिर मिल्क डाल रहे हैं तो आप 1 कप मिल्क डालिए। और मैं इसको गैस पे रख के लगभग 6 या 7 सीटी मरवाऊंगी, क्योंकि इससे थोड़ा वो अच्छे से अगर कुक हो जाएगा तो हमें, जब मैं कढ़ाई में इसको फ्राई करूंगी तो उसमें हमको ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए कम से कम 5 या 6 सीटी आप ही लगवाइए, इसके लिए ये ज़रूरी रहेगा।
चलिए लगभग मैंने 6 सीटी लगवा लिया है। तो अब मैं कढ़ाई गरम कर लेती हूँ और मैं कुकर ओपन करके देख रही हूँ, बिल्कुल ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इसमें मैं ऐड करूँगी घर का बना हुआ गाय का घी, जो कि मैंने खुद घर पे ही बनाया है और मैंने इसका वीडियो भी डाला हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे मैंने घी बनाया है तो आप मैंने लिंक नीचे दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देखिए, आप वीडियो देखिए। आप चाहे तो घर में भी घी बना सकते हैं बहुत आसानी से। हमारा जो घी है वो गर्म हो गया है क्योंकि हम उसको थोड़ा सा अच्छे से गर्म कर लेंगे जो हमारा घी रहेगा वो। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो मैंने, इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना है, जो आपने कुकर में गाजर बॉयल किया है आप बस वही सिंपली वही ऐड करिए। उसको ऐड करके थोड़ा थोड़ा ऐड करिए और उसको बराबर चलाते रहिए ताकि घी अच्छे से मिक्स हो जाए गाजर में। ये आज तो गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, वेट नहीं हो रहा भाई, जल्दी जल्दी आप अपने घर में भी बनाइए और खाइए। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा कुक किया था, इसमें मैंने 1 ग्लास और मिल्क रखा हुआ है वो मैं ऐड कर देती हूँ। मैं इसको ढक दूँगी ताकि ये प्रॉपर तरीके से पके। ये जो वाइट आपको ऊपर झाग की तरह दिख रहा है ये मिल्क की वजह से दिख रहा है क्योंकि मैंने मिल्क ऐड किया था, तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको चलाइए, जैसे ये इसका जो मिल्क है जैसे वो ड्राई होते रहेगा इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें मैं अब ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी, ये अभी मैं किशमिश ऐड कर रही हूँ और मैं काजू ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास बादाम हो या फिर पिस्ता बादाम हो तो आप चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी किचन में पिस्ता बादाम नहीं रखा हुआ था तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है, मैंने स्किप कर दिया, बट आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से मिलाकर मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर हम चाहें तो इसको 5 या 10 मिनट के लिए अच्छे से फिर से ढक देंगे। और ढकने के बाद हम अब थोड़ा, क्योंकि अब थोड़ा सा ड्राई होने लगा है ना, तो क्योंकि अब ज़्यादा ही ड्राई हो रहा है ये, तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे चीनी, जो कि हमारा जो चीनी 250 ग्राम है जो मैंने एक कप से डाल रही हूँ क्योंकि वो कप में 250 ग्राम चीनी आता है। तो ये आपका चीनी का जो परफेक्ट मेजरमेंट ये आपका सही होना चाहिए। और हाँ, अभी तक क्या क्या था कि जब भी हम लोग इसको थोड़ा चला कर ढक दे रहे थे कि ये पकते रहेगा, बट अभी हमें क्या करना है, जब हम चीनी ऐड करेंगे उसके बाद हमें कंटिन्यू उसको चलाते रहना है, नहीं तो वो कढ़ाई के जो नीचे का पेंदी होता है उसमें वो चिपक जाएगा। तो इसलिए आप इसको कंटिन्यू चलाते रहिए और आप देखेंगे कि इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आने लगा है। अब आप खुद देख सकते हैं, देखिए इसका कलर क्या परफेक्ट आ रहा है। देखिए ये कितना ठीक हो गया है, देखने से ही बहुत अच्छा लग रहा है कलर, प्लस टेस्ट में आपको चख के बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा लगेगा। यह लग रहा है मैं आपको ये बताऊंगी, देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है, रियली ऐसे ही लग रहा है कि टेस्ट में भी बहुत टेस्टी होगा। चलिए मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बना है और आप ही अपने घर में बनाइए खाइए। मैंने हलवा निकाल लिया है, अभी मैं आपको ये टेस्ट करके बताऊंगी कि ये टेस्ट में कैसा बना है। कलर तो रियली देखिए आप, बहुत ही ब्यूटीफुल आया है, टेस्ट ऑफ कोर्स अच्छा ही आना चाहिए। बट चलिए टेस्ट करते हैं।
रियली बहुत ही परफेक्ट बना है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आप भी एक बार घर में ट्राई करिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करिए इस वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं। चलिए बाय।